हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ व्हाट्सएप के बारे में, जिसमें व्हाट्सएप के कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आप जान के आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आपको इन सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहिए और ये सेटिंग्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और आप कि व्हाट्सएप की कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं, इनको आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ज़ीश टेक। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो दोस्तों, हमारी पहली सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ऊपर तीन डॉट्स दिखाई देंगे, इनको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चैट्स के ऑप्शन में जाना है। आप नीचे देखेंगे कि चैट बैकअप लिखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो व्हाट्सएप है डिलीट हो जाता है, आप अगर न्यू व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने व्हाट्सएप वाली चैट्स आपके पास ही रहें, तो आप न्यू जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे, जैसे भी करेंगे, तो आपके पास वो सारी चैट्स आपके पास होंगी, आ जाएंगी वापस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी सेटिंग की जानिब। इसमें भी आपको व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद तीन डॉट्स पे क्लिक करना होगा। तो सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको नंबर वन वाले ऑप्शन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपको नीचे से इनेबल करना होगा शो सिक्योरिटी ऑप्शन पे। तो इस तरह आपका जो व्हाट्सएप है, आपको ख़तरा है कि आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको इसको इनेबल करने के बाद आपका व्हाट्सएप कभी भी कोई भी हैक नहीं कर सकेगा। तो उम्मीद है आपको ये भी सेटिंग बहुत अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट सेटिंग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप में वो ओपन करेंगे तो इस पर ऊपर वाले तीन डॉट्स पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मैसेज सेंड करे और आप उस मैसेज को देख लें, और अगर आप चाहते हैं कि उसको ना शो हो कि आपने मैसेज देख लिया, उसमें फिर आपको अकाउंट में जाना होगा। तो अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना होगा। प्राइवेसी में जाने के बाद नीचे आपको रीड रिसेप्ट लिखा होगा, तो इसको आपको इनेबल कर लेना है, अन इनेबल कर लेना है। तो इस तरह से आपकी जो मैसेज आप रीड करेंगे तो वो आपका पोजीशन सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपने मैसेज रीड कर लिया। तो हाँ जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये व्हाट्सएप की इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। मुझे तो बहुत पसंद है ये सारी सेटिंग्स, और मैंने अप्लाई भी की हुई है। तो आपको भी चाहिए कि आप अप्लाई करें इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें। तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।